everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna show you how to apply henna on hair. मैंने यहाँ पे हीना पाउडर को रात भर के लिए पानी में मिक्स करके छोड़ दिया है ढक के। ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है कर्ट 1 egg एंड मिल्क, और ये है नेहा हर्बल्स की मेहंदी जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। नेहा हर्बल्स की मेहंदी बहुत ही अच्छी होती है, ये बालों को ड्राई नहीं करती है। अभी मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लूंगी, उसके बाद मैं इसको इस हेना को अपने हेयर में अप्लाई करूंगी। कर्ड एग और मिल्क मैं थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड कर दूंगी, और ये सब ऐड करने से हमारे हेयर में प्रोटीन भी मिलेंगी। और मिल्क मैं इसलिए ऐड करती हूँ ताकि हेयर ड्राई ना हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारे हेना यूज़ करने के बाद हेयर थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, तो जब से मैंने ये प्रोसेस किया है तो मेरा हेयर ड्राई नहीं होती है। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद इसको मैंने ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, About 5 minutes। So friends, इस हेना पैक को मैं अभी मेरी हेयर पे अप्लाई कर लूंगी। मेरी सजेशन यही है कि आप कभी भी हेयर कलर ना करें। हेयर कलर करने की वजह से हेयर बहुत ही डैमेज हो जाती है और स्प्लिट एंड सेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर ड्राई होती है, हेयर वाइट भी हो जाती है। उसके बाद एक लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद आपको हेयर कलर करना ही होता है। और मैंने मेरी मम्मी को भी देखा है, मेरी दादी को भी देखा है, हेयर कलर नहीं करने से उनका सफ़ेद हेयर जो है वो दिख जाती है, बाहर आ जाती है। 2 दिन छोड़ छोड़ के उनको हेयर कलर करना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं हेयर कलर नहीं करूँगी, मैं हेना करूँगी। ये हेयर के लिए अच्छा भी होता है और हेयर में हल्का सा कलर भी छोड़ता है और सफ़ेद हेयर की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बेस्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप महीने में 2 बार हेना या मेहंदी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आप भी शायद इसको देख कर आपको तो वियर्ड लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल सी प्लास्टिक होती है जो बाजार से मिलती है वही मैंने अपने हेड में लगा लिया है। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखेंगे वो प्लास्टिक रैपर से रैप करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो यही मेरा DIY है, मैं ऐसे ही करती हूँ, ये भी काम चल जाती है। बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है, एकदम सिंपल पैकेजिंग है, लेकिन ये बहुत ही इजीली ओपन हो जाती है एंड क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो आप बिल्कुल जाइए, और इसी तरह की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद आती है जो कि मैट फिनिश देती है, मैट लुक देती है अप्लाई करने के बाद, तो गुड है। प्राइस है वो भी बहुत ही सस्ती है, आपको इस प्राइस में कहीं भी और लिक्विड लिपस्टिक इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ये शेड मैंने अपने लिप्स पे लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये जब अप्लाई करोगे तब लिक्विड रहेगा और थोड़ी देर बाद जब ड्राई हो जाएगा तो ये मैट लुक रहता है। ये आप देख सकते हैं मेरे लिपस्टिक बहुत ही एकदम मैट जैसे फिनिश लाई है इसके,
ये कलर मैंने आज यूज किया है, अप्लाई किया है अपने लिप्स पे। ये लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं कर सकते हैं और ये एकदम किस प्रूफ है, ये देखिए कोई भी निशान नहीं छोड़ा है। जो किस करने के बाद जो अगर आप चाय में कॉफी पीते हैं तो जैसे कप पे या मग पे जो लिपस्टिक के स्वेचेस लग जाते हैं वो बहुत ही चीप लगती है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये एकदम स्मार्ट प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, सुपर 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 लॉन्ग लास्टिंग। इतनी लॉन्ग लास्टिंग मैंने लिपस्टिक आज तक नहीं देखी है। तो आप बिल्कुल, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी जहाँ से मैंने ये परचेस किया है। मैंने तो ऐसे purple.com से परचेस किया है। ये 175-160 ऐसा अराउंड रहता है इसका प्राइस। और आप एक बार चेक कर लीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने वहीं पे इसका लिंक दे दिया है। और मैंने दो शेड लिया है, मैंने इंटरनेट पर इसका बहुत सारा रिव्यू देखा, उसके बाद ही मैंने इसको परचेस किया था। और मैंने इसका बहुत सारा मतलब शेड्स भी देखा, तो मुझे दो शेड्स पसंद आए। एक तो ये शेड है, ये शेड है, ये जो मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया है, ये शेड है नंबर 10 क्रैंकी यंकी। इस शेड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। और एक शेड है ये, आप देख सकते हैं, और ये शेड है नंबर 3, इट्स वेलवेटी अंडर द ग्राउंड नंबर 3। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। ये शेड्स भी बहुत अच्छे, मैं थोड़ी देर बाद दोनों आप इसको भी अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने लिप्स पे। तो आप बिल्कुल ही परचेस कीजिए, बहुत ही लो कॉस्ट है और इतनी लो प्राइस में मुझे इतनी अच्छी लिपस्टिक मिली। आई जस्ट लव 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 दिस लिपस्टिक। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम क्या पागल हो जैसे कर रही हो, घर में भी लिपस्टिक अप्लाई करके घूम रही हो। मैं क्या करूँ, इतना अच्छा लिपस्टिक मिल गया है मुझे यार। पहले तो मैंने बहुत रिव्यू देखा था, मुझे नहीं मिल रहा था कोई भी ऑनलाइन साइट में भी, ये अनअवेलेबल हो गया था। तो उसके बहुत दिन बाद मैंने बस दो दिन छोड़ छोड़ के ट्राई करती रहती थी, आया कि नहीं ये स्टॉक में है, अवेलेबल हो गया कि नहीं। उसके बाद लकीली मुझे मिल गया और मेरी ये दोनों चॉइस की सेट्स मिल गए। अब देख सकते हैं ये दोनों सेट्स ही मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो आप जाइए बिल्कुल अपनी पसंद की सेट्स लीजिए। मैं चाहूंगी कि आप लो, बस यही बोलना है, बहुत ही अच्छा है। इसके पिगमेंटेशन भी आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त है। बस एक ही मैंने स्वच्छ किया एक ही टाइम। मैंने कुछ वर्क क्या ना बनाया।